नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, मतलब कि हम बात करेंगे टीटीएमएल के बारे में। इस शेयर की बात की जाए तो धमाकेदार इसमें तेजी देखने को मिल रही है, लगातार ये ऊपर की तरफ ट्राई कर रहा है। बहुत दिनों से जो है इसमें हैवी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और जैसे ही इसने कंसोलिडेशन अपना पूरा किया तो धमाकेदार इसमें तेजी देखने को मिली है। लगातार इसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जो है ये काफी ज्यादा क्रूशियल लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि लास्ट बार जब इसमें गिरावट आई थी तो इसी लेवल के बाद से इसमें गिरावट देखने मिली थी। तो मंडे को इसमें बड़ा धमाका फिर से देखने को मिल सकता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें जो ये लेवल है क्या ये टूटने के चांसेस है कि नहीं है, इसका आगे का टारगेट कौन सा रहेगा अगर ये लेवल टूटेगा, अगर ये गिरावट आती है क्या इसमें तो कौन से लेवल तक ये गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। फ्रेश बैंक आपको अगर करनी है तो कौन सा लेवल आपका फ्रेश बैंक के लिए है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपको अपनी नेक्स्ट मूव इस कंपनी में क्या लेनी चाहिए और इसका कंपनी का फ्यूचर कैसा है, ये सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और साथ में जो है आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आके जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको फ्री में इंट्राडे के ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं ये सारी फैसिलिटी हम आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए किसी भी प्रकार का जो है चार्ज नहीं देना है, तो ग्रुप को जाकर अभी ज्वाइन कीजिए। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, उस पर क्लिक करके आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप जो है टेलीग्राम पे जाके इक्विटी मार्केट हमारा जो चैनल है उसको जाके सर्च कीजिए, हमारा लोगो भी लगा हुआ है, उसको जो है आप डायरेक्ट भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जो है इंट्राडे की ट्रेड चाहिए, लॉन्ग टर्म के स्टॉक चाहिए, शॉर्ट टर्म के स्टॉक चाहिए, पेन स्टॉक चाहिए, हर चीज़ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। किसी भी स्टॉक की न्यूज़ आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है सेबी की तरफ से, तो सबसे पहले हम यही पोस्ट करते हैं ताकि आप मार्केट को लेकर हमेशा अपडेट रहें और आपको सारी फैसिलिटी एक ही ग्रुप मिल जाए, आपको किसी दूसरे ग्रुप में जाने की जरूरत ना पड़े, आपको दो तीन ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े, तो हम आपको एक ही ग्रुप में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ग्रुप को जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, काफ़ी आपको फायदा होगा, हमारे मेंबर्स काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं ट्रेडों को लेकर, आप भी जो है इसी प्रकार से प्रॉफिट बना सकते हैं, आपको ग्रुप को जाकर ज्वाइन करना है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ये कैसी क्या ट्रेड रही है टीटीएमएल में अपने लॉन्च ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर बात करें अपना थर्सडे के दिन, तो उसमें 2.5 रुपए की तेजी, ऑलमोस्ट 4.95% के आसपास की तेजी जो है इसमें अपना थर्सडे के दिन देखने को मिली, धमाकेदार इसमें जो है परफॉर्मेंस दिखाई। अभी जो है ये 53 रुपए पर पहुंच चुका है, लगातार देखिए इसमें पूरे दिन अपर सर्किट देखने मिला, एक भी बार जो है इसमें अपर सर्किट नहीं टूटा अपना थर्सडे के दिन। 1 वीक की बात की जाए तो 1 वीक में इसमें ऑलमोस्ट 21.28% जो है रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, 9.30 रुपए की जो है तेजी इसमें देखने को मिली है एक सप्ताह में। तो एक सप्ताह में जो है धमाकेदार जो है इसमें देखने को मिली है तेजी, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस जो है, 9.30 रुपए काफी अच्छी तेजी होती है अगर बात करें एक सप्ताह के बेस पे। 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ में इसमें ऑलमोस्ट 39.30% जो है रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 17.5 रुपए की तेजी जो है इसमें देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ एक महीने में। बहुत ही अच्छा जो है इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी दिनों से जो है इसमें कंसोलिडेशन चल रहा था, बहुत जो है इसमें लोग परेशान हो रहे थे, पैनिक कर रहे थे कि कब इसमें तेजी आएगी कब इसमें तेजी आएगी, लेकिन जो है फाइनली जब इसमें तेजी आई तो जो है सबके चेहरे जो है मुस्कुरा गए इस कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, क्योंकि लगातार इसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट जो है देखने को मिल रहे हैं। ताकि आप अगर इसने आपने अगर इसमें होल्डिंग ले रखी है तो होल्डिंग अगर आपने ली है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट समय जो है आपके लिए निकल के आ चुका है। तो जो है अगर बात करें कि इसकी कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, तो इंपॉर्टेंट लेवल देखें तो हम चलते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट कौन सा है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका हमने बाइंग कराई थी कहाँ पर, 33.10 रुपीज़ पर बाइंग कराई थी, हमने आपको बोला था कि ये लेवल बहुत ही अच्छा है बाइंग करने का, क्योंकि इसके नीचे ये नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर इसके नीचे जाता तो फिर इसमें भारी गिरावट जो है देखने को मिल सकती थी। तो आपको जो है हमने इसी लेवल पर बाइंग कराई थी कि इसके नीचे ये नहीं जाएगा, बाइंग कर लो, जितना नीचे आए उतना उठाओ। देखिए इसके नीचे नहीं गया मतलब कि आपका सबसे अच्छा प्राइस पॉइंट यही था उठाने का, आपने यहाँ पर उठाया होगा, तो देखिए क्या हुआ उसके बाद, ये तेजी पर तेजी पकड़ी इसने और ये कहाँ पर पहुँचा, ऑलमोस्ट 53 रुपए पर ये पहुंच चुका है, मतलब कि इसने हमारा टारगेट 1 38 रुपीज़ 35 पैसे का हिट किया, टारगेट 2 44 रुपीज़ का ये भी हिट किया, और जो है अब हमारे टारगेट 3 54 रुपए 45 पैसे के लेवल पर पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये प्राइस पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए प्राइस पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इसमें लास्ट बार जब रैली आई थी तो इसी लेवल के बाद से इसमें गिरावट देखने को मिली थी और भारी गिरावट आई, भारी गिरावट का क्या हुआ था इसमें लगातार इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिला और लोग जो है काफ़ी पैनिक किए थे इसमें। तो जो अगर जो अपना प्राइस पॉइंट है 54.40 रुपए अगर ये लेवल टूटता है तो फिर शेयर होल्डरों की बल्ले बल्ले होने वाली है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुनाफा और बहुत सारा पैसा आपका बनने वाला है। लेकिन अगर ये लेवल नहीं टूटा तो फिर अगर इस लेवल से ये रेजिस्टेंस लेता है तो आपको ये नीचे आता हुआ फिर से देखने को मिल सकता है। तो आपका अगर ये नीचे आता है
तो आपका 44 रुपये का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट का, ये आपका सपोर्ट का बहुत अच्छा काम करेगा। 44 रुपीज़ का सपोर्ट नंबर वन, सपोर्ट टू आपका रहेगा 38 रुपीज़ 35 पैसे का, और 33 रुपीज़ 10 पैसे आपका सपोर्ट नंबर थ्री रहेगा। क्योंकि देखिए ये ओवरबॉर्ड जोन में चल रहा है, लेकिन इसमें गिरावट हल्की फुल्की जरूर आएगी, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन गिरावट अभी आएगी, वो गिरावट फिर से आपको तेजी में बदलती हुई देखने को मिलेगी। तो आपको अगर हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिलती है तो आपको बिल्कुल भी घबराना इससे नहीं है, आप बिल्कुल भी इससे घबराएं ना। छोटी मोटी गिरावट स्टॉक में आती है, क्योंकि हर स्टॉक जो है ऐसे नहीं बढ़ता कि ऊपर बढ़ता जाए, गिरावट लेता है और गिरावट क्या फिर से बढ़ता है। तो आपको जो है इस गिरावट से, जो ये गिरावट आएगी, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। तो आपको जो है इसमें क्या करना है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है अगर आपको, तो क्या काम करना है ऑलरेडी इन्वेस्टेड वालों के लिए, 54 रुपये 45 पैसे का आपका लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर ये आता है तो आपको होल्ड करना है। कब तक होल्ड करना है, जब तक जो है ये 44 रुपीज़ के लेवल को नीचे ना तोड़ दे। अगर ये 44 रुपीज़ के नीचे नीचे जाता है तो आपको इसको एग्जिट कर लेना है। अगर ये इसके नीचे नहीं आता तो आपको क्या करना है, होल्ड करना है। 44 रुपीज़ के लेवल तक आप होल्ड आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो अगर देखिए 54 रुपये 45 पैसे का लेवल टूटता है, अगर ये लेवल टूटा तो आपको क्या करना है, इसमें बाइंग कर लेनी है। अगर नहीं टूटता है तो बाइंग नहीं करनी है, बाइंग आपको नीचे के लेवल पर करनी है। ठीक है, फ्रेश बाइंग को क्या करना है, लेवल टूटा तो बाइंग करनी है, नहीं टूटा तो क्या करना है, नीचे आने का वेट करना है, नीचे के लेवल पर बाइंग करनी है। इन्वेस्टेड है अगर आप ऑलरेडी इसमें, तो अगर 54 रुपये 45 पैसे के ऊपर आता है तो होल्ड करना है। होल्ड कब तक करना है, जब तक अगर इसमें गिरावट भी आ जाती है तो 44 रुपीज़ के लेवल तक आप जो है इसमें होल्ड कर सकते हैं। इसके नीचे आता है तो आप इससे अपना एग्जिट ले सकते हैं, इसके पहले भी आप जो अपना एग्जिट ले सकते हैं अगर इसमें कम से कम 2 से 3 दिन इसके नीचे क्लोजिंग देता है। अगर ये 54 रुपये 45 पैसे के नीचे कम से कम 3-4 दिन नीचे क्लोजिंग देते हैं तो आप इससे टेम्परेरी रूप से एग्जिट ले सकते हैं। बाकी आप इसमें होल्ड कीजिए, कंपनी धमाकेदार रिटर्न देने को आपको तैयार हो रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ रहा है। किसका, जो भारत सरकार ने घोषणा की थी टेलीकॉम को इतने राहत दी गई थी टेलीकॉम सेक्टर को, उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस शेयर को ऊपर ले जाने में। और जो है PLI स्कीम भी जो है इसका फायदा भी इसको मिल सकता है अगर जी कंपनी इलेजिबल होती है उसकी के लिए। लेकिन कंपनी पर जो इतना डेप्थ हो रखा है वो उनके लिए समस्या का विषय है, वो डेप्थ ये क्लियर जैसे ही कर देते हैं बहुत अच्छी कंपनी आपको आगे देखने को मिलेगी। क्योंकि कंपनी ने सुधार काफ़ी किया है, कंपनी ने जो काम पहले नहीं किया वो काम अब करके दिखाया है। जो डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर रही है कंपनी, एंटरप्राइज को जोड़ रही है लोगों से और एंटरप्राइज के कामों को आसान कर रही है, तो उसका जो है काफ़ी इफेक्ट कंपनी पर देखने को मिला है। कंपनी काफ़ी इंप्रूव हुई है, कंपनी अपने डेप्थ को भी रिड्यूस करने में कामयाब रही है। और क्वार्टर टू का रिजल्ट अगर धमाकेदार देखने को मिलता है तो फिर आपको देखना ये शेयर और भी ज़्यादा ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2-3 क्वार्टर से कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। 2-3 क्वार्टर से उन्होंने अपने रिजल्ट को काफ़ी हद तक सुधारा है और इनका ये क्वार्टर भी अच्छा रहता है तो ये कंपनी और भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी आगे आने वाले समय। बाकी आपके लेवल जो है मैंने आपको समझा दिया है, आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या करना है, आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करना है, आगे के आपके कौन से टारगेट रहेंगे, तो आप टारगेट जो है 54 रुपये 45 पैसे का है। ये लेवल अचीव होते हुए हम आपको नेक्स्ट टारगेट देंगे, वो टारगेट पहले जो है ये अचीव होने दीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो, और आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आके जुड़ जाइए। आपको अगर इंट्राडे की ट्रेड चाहिए, मीडियम टर्म स्टॉक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के स्टॉक, पेनी स्टॉक, हर चीज़ आपको उस ग्रुप पे मिलेगी, तो ग्रुप को जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, या आप जो है टेलीग्राम पे जाके जो है इक्विटी मार्केट सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल का लोगो लगा हुआ है, वो ग्रुप आप जाके डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 के आप आसपास के मेंबर हैं, उस ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह नहीं तो अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक।